YouTube दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। हर तरह की वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। विदाउट अ डाउट बहुत सारे लोग YouTube पे अपना सफर शुरू करना चाहते हैं, जिसमें से कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोगों को या तो बहुत टाइम लगता है या बिकॉज बहुत टाइम और बहुत मेहनत लग रही होती है, इसलिए बहुत सारे लोग आधे में ही सफर को ख़त्म करके निकल जाते हैं। YouTube पे सफर शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको अपना चैनल क्रिएट करना पड़ता है। अब चैनल क्रिएट करना जितना आसान है उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है अपने चैनल को प्रॉपर SEO करना, चैनल का बैनर लगाना, कीवर्ड्स डालना। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको YouTube प्रमोट तभी करेगा, आपके चैनल को प्रमोट तभी करेगा जब आपका चैनल प्रॉपरली बना होगा और SEO हुआ होगा। उसके बाद जब आप अपनी वीडियोस अपलोड करोगे तो उनकी SEO प्रॉपर करके आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना YouTube चैनल क्रिएट कैसे कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, चैनल क्रिएट करने के बाद उसको कस्टमाइज़ करके उसको आप खूबसूरत कैसे बना सकते हो कि वो सर्च रिजल्ट्स में जल्दी से जल्दी अपीयर होना शुरू हो जाए। जितना जल्दी आपका चैनल सर्च रिजल्ट्स में अपीयर होना शुरू होगा उतना ही जल्दी आप यूट्यूब पर ग्रो करोगे और आपका चैनल लोगों तक पहुंचेगा, आपकी वीडियोस लोगों तक पहुंचेंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने गूगल पे टाइप करना है गूगल न्यू अकाउंट। आपको यहाँ पे सेकंड लिंक नज़र आ रहा होगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको ये नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको अपना नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी देखें आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम आपको टाइप करना है। तो मैं जैसे स्टार्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फर्स्ट नेम लिखता हूँ, मैं अपना लास्ट नेम लिखता हूँ और यूज़र नेम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कोई नंबर टाइप कर देता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, जस्ट मेक श्योर कि वो यूज़र नेम जो है वो पहले से यूज़ में ना हो, इन यूज़ ना हो। पासवर्ड आपको टाइप करना है तो आप कुछ भी पासवर्ड टाइप कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर देता हूँ। आई डोंट थिंक ये एक्सेप्ट करेगा लेकिन जस्ट चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं है, आप जो है वो 123@#, इस तरह का कुछ कर दें तो आपका चैनल, आपका अकाउंट, गूगल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि आप अपना नंबर एंटर करो, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करोगे और यहाँ पे एक रिकवरी ईमेल एड्रेस एंटर करोगे, जो ये वाला ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए, एक और ईमेल एड्रेस इन केस अगर आपका चैनल लूज़ हो जाता है, आपका अकाउंट लूज़ हो जाता है, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे, मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे आप अपनी जेंडर एंटर करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो आपको ये ले जाएगा इस पेज पे जहाँ पे आपने आई एग्री पे क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप बेशक पढ़ लीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक करें, उसके बाद इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। मैंने अपना फ़ोन नंबर एंटर नहीं किया क्योंकि मैं ये अकाउंट बिल्कुल टेम्प्रेरली बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट सिक्योर रहे तो आप अपना फ़ोन नंबर लाजमी एंटर करो और अपने नंबर के साथ अपना अकाउंट बनाओ। मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए अकाउंट क्रिएट होने के बाद, आपको सिक्योरिटी में जाके टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन नज़र आएगी, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और इसको आपने ऑन कर लेना है। मैंने अभी पासवर्ड एंटर नहीं किया हुआ, मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ इसमें जल्दी से, मेरा अकाउंट लॉगिन कर देगा ये। उसके बाद मुझे कहेगा कि आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करें और यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करके टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें। इसके बाद कुछ ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, आपको यहाँ पे नंबर एंटर करना है, टेक्स्ट मैसेज सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। आपको एक कोड आएगा आपके उस नंबर पे जिसको आपने एंटर करना होगा और टू स्टेप वेरिफिकेशन आपकी ऑन हो जाएगी। ज़रूरी स्टेप था इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको मिस ना करो, ये बहुत ज़रूरी है। कल को आपका चैनल अल्लाह ना करे हैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। अच्छा जी, अभी हमने ये अकाउंट सेटिंग कर ली, सिक्योरिटी सेटिंग भी कर ली, इसके बाद हम चले जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसी अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश करूँ जो कि मैंने अभी ओपन किया हुआ था। तो मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, मेरा गूगल अकाउंट बन चुका है तो मेरा यूट्यूब भी आप देख सकते हैं कि उसी अकाउंट के साथ लॉगिन हो चुका है। ये ऊपर मेरा ईमेल आ रहा है, ये मेरा नाम आ रहा है। अच्छा जी, अकाउंट क्रिएट हो चुका है आपका। उसके बाद आपने सबसे पहली चीज़ जो करनी है, आपने यहाँ से चले जाना है YouTube स्टूडियो के ऊपर
और उसके बाद आपको कह रहे हैं यहाँ पे देखें आपका नाम ऑप्शन दे रहा है आपको कि आप अपने चैनल का नाम सिलेक्ट करो। तो मेरे चैनल का नाम अगर लेट सपोज मैं यही रख लेता हूँ और अपलोड अ पिक्चर कह रहा है तो मैं एक पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ, कोई सी भी पिक्चर अपने डेस्कटॉप से जाके अपलोड कर लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं ये पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ उसको क्रिएट अ चैनल। अभी इट्स क्रिएटिंग अ चैनल राइट नाउ। ये मेरी पिक्चर नज़र आ रही होगी चैनल पे और ये मेरा नाम नज़र आ रहा होगा। नाम हमने रख लिया और पिक्चर हमने उसके ऊपर अपलोड कर दी, तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। सबसे पहला काम जो चैनल क्रिएट होने के बाद आपने करना है वो आपने कस्टमाइजेशन पे जाना है। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगी। सबसे ऊपर है वीडियो स्पॉटलाइट चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब्ड। ये बेसिकली आप एक आधी वीडियो अपनी उठा के अपने चैनल के ट्रेलर पे लगा सकते हो। तो अगर किसी बंदे ने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वो आपके चैनल पे विजिट करता है तो उसको वो वीडियो आपके चैनल के होम पेज पे नज़र आ रही होगी। फीचर्ड वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, तो अगर कोई आपका सब्सक्राइबर आपके चैनल पे दोबारा से आता है तो उसको ये जो नीचे आप वीडियो सेलेक्ट करोगे वो नज़र आएगी। अभी मेरे चैनल पे कोई वीडियो पड़ी भी नहीं है इसलिए मैं अभी ये सिलेक्ट नहीं कर सकता, बट आपने मेक श्योर करना है कि जब आपकी वीडियोज़ अपलोड होना स्टार्ट हो जाए तो आपने इन दोनों को लाजमी से सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपकी वीडियोस वहाँ पे आ रही हों। अच्छा जी, बैनर इमेज हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर तो हमने लगा दी, बैनर इमेज की ऑप्शन आ रही है और नीचे वाटरमार्क की ऑप्शन आ रही है। तो बैनर इमेज सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा। बैनर इमेज क्रिएट करने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं जैसे कि मोस्टली यूज़ करता हूँ canva.com। ब्राउज़र पर आया, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रही हैं बहुत सारी। यहाँ पर मैं सर्च में लिखूँगा चैनल आर्ट और ये मुझे ऑप्शन देगा नीचे यूट्यूब चैनल आर्ट की, तो मैं यूट्यूब चैनल आर्ट सेलेक्ट करूँगा और मेरे पास बहुत सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं जिसको मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी फॉर एग्जांपल लेट्स से ये टेम्पलेट उठा लेते हैं हम और इसको मैं यूज़ कर लूँगा वहाँ पे। इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, लाइफ ऑन द वाटर को मैं चेंज करके सफ़ीर अहमद कर देता हूँ और नीचे मेरे पास ये एक और ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर हम कर सकते हैं टेक रिव्यूज़ लेट्स सपोज सफ़ीर अहमद टेक रिव्यूज़ हो गया। इसको मैं अगेन जैसे मैंने पहले कहा इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकता हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको कैनवा देता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने यूट्यूब जब चैनल बना लोगे तो जो थंबनेल्स अपलोड करोगे और जितनी भी चीज़ें बनाता हूँ मैं खुद, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कैनवा यूज़ करता हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी और ये बहुत प्रोफेशनली आपकी चीज़ें क्रिएट करता है। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अभी आप ये देखेंगे मेरे सिस्टम के अंदर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड्स के अंदर ये JPG फाइल पड़ी हुई है, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें। ये देखें आपने मेरा नाम इसने ऑलरेडी सेंट्रलाइज कर दिया है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर आपका चैनल आर्ट कैसा नज़र आएगा। मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं इसको डन कर देता हूँ। अब ये देखें मेरा चैनल आर्ट अपलोड हो चुका है। इसके बाद आप वाटरमार्क होता है, आप अपनी वीडियो के लिए वाटरमार्क भी बना सकते हो। जैसे कि हमने एक पिक्चर सेलेक्ट की थी पहले, लेट्स सपोज मैं वही पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं वाटरमार्क रख देता हूँ तो मेरी वीडियो के नीचे ये बॉटम राइट कॉर्नर पे जब मेरी वीडियो प्ले हो रही होगी तो मेरी ये पिक्चर जो है वो नज़र आ रही होगी बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर। इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दे रहा है एंड ऑफ वीडियो पे लगाना है, कस्टम स्टार्ट टाइम या इंटायर वीडियो, तो मैं इंटायर वीडियो कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इन सारी चेंजेस को सेव कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल इसको पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम बाकी सेटिंग्स की तरफ जाते हैं। तो ये सारी इनिशियल सेटिंग्स हैं जो आपको चैनल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले करनी होती हैं। अच्छा जी, ये पब्लिश हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जो कि है चैनल नेम एंड डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ, अच्छा हाय माई नेम इज सफीर एंड दिस चैनल इज मेनली अबाउट टेक रिव्यूज। इसके साथ आप 1000 कैरेक्टर्स तक ऐड कर सकते हो, तो मेक श्योर कि एक लेंथी से डिस्क्रिप्शन लिखें और डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखें जहाँ पे आप ये बता रहे हो कि आपका चैनल किस बारे में है और आप इस चैनल पे क्या करोगे, ताकि अगर आपके जो व्यूअर्स आपको सर्च करें उनको क्लियरली पता चल जाए कि आपका ये चैनल इस पर्टिकुलर निश का है और आप ये काम इस चैनल के ऊपर करते हो। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं जी, ये आपके चैनल का URL है। उसके बाद आप लिंक्स ऐड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं Instagram और इसके साथ साथ मैं Facebook etc. ये लिंक्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने Instagram लिखना है, यहाँ पे अपने Instagram का लिंक डालना है, इसके बाद आपने नीचे Facebook लिखना है और Facebook का लिंक डालना है। इसी तरह से ये सारे लिंक्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और ये आपने लाजमी करना है।
चूँकि मैं सिर्फ टेस्ट परपेज़ के लिए चैनल पे काम कर रहा हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करूँगा, लेकिन आपने ये लाजमी करनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ये वो ईमेल एड्रेस होगा जो लोगों को शो होगा, तो कभी भी अपने चैनल का ईमेल एड्रेस यहाँ पे मत डालें। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे केसेस में खुदा न खास्ता आपका चैनल हैक हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आप कोई और ईमेल डालें। अगर आपके पास बना हुआ नहीं है तो कोई एक और सेपरेट जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लें, उसका लिंक यहाँ पे डालें, उस ईमेल का एड्रेस यहाँ पे डालें। कभी भी अपने चैनल का ईमेल यहाँ पे मत डालें। उसके बाद ये चेंजेस साथ साथ मैं पब्लिश कर रहा हूँ, तो क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और उसके बाद पब्लिश ना करें तो ये सारी चेंजेस हमें दोबारा से करनी पड़ जाएँ। अच्छा जी, फीचर्ड सेक्शंस के अंदर आ जाते हैं जी। ऐड सेक्शन करते हैं जी, हम सबसे ऊपर रख लेते हैं पॉपुलर वीडियोज़ को। उसके बाद हम नीचे रख लेते हैं जी शॉर्ट वीडियोस, नहीं अपलोड्स को हम उससे नीचे रख लेते हैं और शॉर्ट वीडियोस को तीसरे नंबर पर रख लेते हैं। तो पॉपुलर वीडियोस जो भी आपके चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूड या पॉपुलर वीडियोस होंगी वो सबसे ऊपर यहाँ पे नज़र आ रही होंगी आपके फीचर्ड सेक्शन के अंदर। इसी तरह आपकी अपलोड्स नीचे नज़र आ रही होंगी और शॉर्ट वीडियोज़ अगर आपने कुछ क्रिएट की हुई है तो वो तीसरे नंबर पर नज़र आ रही होंगी। ये चेंजेस करके हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। तो हमारा लेआउट हो गया, ब्रांडिंग हो गई, बेसिक इन्फो हमने ऐड कर दी है। ये कुछ मेन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं चैनल क्रिएट करने के बाद। एक दफ़ा मैं आपको ऑडियो लाइब्रेरी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑडियो लाइब्रेरी बेसिकली ये सारे ट्रैक्स होते हैं, म्यूज़िक होता है जो कि आप अपने वीडियो के अंदर यूज़ कर सकते हो और आपको किसी किस्म का कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। यहाँ पे म्यूज़िक के साथ साथ आपको साउंड इफ़ेक्ट्स भी मिल जाते हैं, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, तो साउंड इफ़ेक्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अभी एक को प्ले कर लेता हूँ तो ये किड्स प्लेइंग यहाँ पे आवाज़ आएगी आपको। मैं इसका थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा कर देता हूँ, ये देखिए आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह आपकी वीडियो के हिसाब से आप यहाँ से इफ़ेक्ट्स और म्यूज़िक चूज़ करके अपनी वीडियो में लगा सकते हो। कोशिश करें कि हमेशा म्यूज़िक या इफ़ेक्ट्स यहीं से उठाएं। बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको फ्री म्यूज़िक मिल जाता है, बट मैं उन पे ट्रस्ट नहीं करता। ऑडियो लाइब्रेरी से, यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से ही म्यूज़िक उठाएं। उसके बाद जी एनालिटिक्स सेक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे जब आप वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ओवरव्यू आएगा, तो आपके चैनल पे जो टोटल व्यूज़ आते हैं पिछले 28 दिन के अंदर वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। वॉच टाइम जो आपको मिला वो यहाँ पे शो रहा होगा, सब्सक्राइबर्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके बाद रीच है जी, सेकंड टैब पे आ जाते हैं। रीच के अंदर आपके इंप्रेशंस होते हैं बेसिकली कि आपने एक वीडियो अपलोड की तो यूट्यूब ने वो वीडियो कितने लोगों को दिखाई, 100 लोगों को दिखाई, 1000 को दिखाई, 1,00,000 लोगों को दिखाई, और उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया उस उन इंप्रेशंस के ऊपर, ये होता है आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट। और इसको अच्छा करने के लिए आप अपनी वीडियो का थंबनेल अच्छा बनाते हो। ये सारी डिटेल्स वो हैं जो कि मैंने एक और वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, तो मैं उसका लिंक आपको ये ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपके व्यूज़ शो हो रहे होंगे, यूनिक व्यूज़ शो हो रहे होंगे। यूनिक व्यूज़ का मतलब है जो नए बंदे आके आपके चैनल पे आपकी वीडियोस देखते हैं। उसके बाद एंगेजमेंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका वॉच टाइम आ रहा होगा, आपने जो वीडियोस अपलोड की उनका टोटल वॉच टाइम कितना है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद आपकी ऑडियंस शो हो रही होगी, रिटर्निंग व्यूज़, यूनिक व्यूअर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो ये हो गया जी हमारा एनालिटिक्स सेक्शन। प्लेलिस्ट होती है, आप अपनी वीडियोस क्रिएट करके उसकी प्लेलिस्ट बना सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस की एक अलग प्लेलिस्ट बना लो। इसी तरह अगर आप कोई एजुकेशनल वीडियोस की एक सीरीज़ बनाना चाह रहे हो तो उसकी एक प्लेलिस्ट बना लो, ये काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी कंटेंट पे, और वीडियो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है और वीडियो अपलोड आप करते कैसे हो। तो सबसे पहले आपका चैनल आपने सेट कर लिया, उसके बाद पहली वीडियो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे क्रिएट पे भी क्लिक कर सकते हो, और ये ऑप्शन दे रहा है आपको अपलोड वीडियोज़ के। अपलोड वीडियोज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कह रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप वीडियो फाइल्स टू अपलोड, या फिर आप इस पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से जो कि मैं अपलोड कर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ये वीडियो सिलेक्ट की आप देखें कि यहाँ पे नीचे अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, परसेंटेज दिखा रहा है, और ऊपर यहाँ पे मुझे कह रहा है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल लगाएं। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, टैग्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। आप उसको देखें तो आपको SEO के हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ प्लीज़ जहन में रखिएगा कि आपकी वीडियो की SEO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी ये वीडियो है GoPro Hero 9 के ऊपर,
तो कुछ चीज़ें जो मैं करता हूँ जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है वो ये है कि मैं सबसे पहले जाऊँगा यूट्यूब के ऊपर ही और फिर मैं देखूँगा कि सर्च वॉल्यूम किस टाइप का है और लोग GoPro Hero 9 के हवाले से क्या सर्च कर रहे हैं, ताकि मैं उसके रेलिवेंट टाइटल अपनी वीडियो का, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लगाऊं, ताकि मेरी वीडियो सर्च रैंकिंग्स में ऊपर आए और लोग मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ GoPro Hero 9। अच्छा जी, मैंने टाइप किया GoPro Hero 9, तो आप जैसे देख सकते हैं मुझे नीचे सजेशंस दे रहे हैं। ये बेसिकली वो टर्म्स हैं जो लोग लिखते हैं जब लोग जाके YouTube पे GoPro के बारे में सर्च करते हैं। तो लोग सर्च कर रहे हैं GoPro Hero 9 रिव्यू, अनबॉक्सिंग, GoPro Hero 9 व्लॉग, GoPro Hero 9 ब्लैक, वीडियो टेस्ट, सिनेमैटिक। तो मेरी ये वीडियो जो थी, ये एक व्लॉग था GoPro Hero 9 पे बना हुआ, तो मैं लेट्स सपोज GoPro Hero 9 व्लॉग कर लेता हूँ। इसमें मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, तो मैं इसको कर लेता हूँ GoPro Hero 9 रिव्यू एंड व्लॉग। और उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा कि इसी टाइप की एक लाइन लिखूँ, इन दिस वीडियो विल बी व्यूइंग द न्यू GoPro Hero 9, दिस इज़ अ व्लॉग शॉट ऑन द GoPro। तो आपने नोट किया होगा कि मैंने अपना टाइटल अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन किया है, लेकिन नेचुरली किया है ताकि वो ऐसा ना लगे कि आप टाइटल को ही उठा के कॉपी और पेस्ट कर रहे हो। दैट यूजुअली नेवर वर्क्स, सो यू शुडन्ट बी डूइंग दैट। बाकी उसके बाद थंबनेल आ जाता है, तो मैं थंबनेल कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ अपने सिस्टम से, लेकिन कुछ भी से मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप कोई भी थंबनेल जो है वो उठा के लगा दो। आपने थंबनेल प्रॉपर अपनी वीडियो के हिसाब से बनाना है और उसके बाद उसको अपलोड करना है, क्योंकि थंबनेल ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे लोग क्लिक करके आपकी वीडियो पे आएंगे। तो अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स गेन नहीं होंगे, आपके लिए सफ़र मुश्किल होता जाएगा। इसलिए थंबनेल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और थंबनेल अच्छा बनाएं। प्लेलिस्ट, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, आप प्लेलिस्ट बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि इज़ दिस वीडियो मेड फॉर किड्स और इज़ इट नॉट मेड फॉर किड्स। तो चूँकि मेरी ये वीडियो किड्स के लिए नहीं है, मेरा चैनल किड्स के लिए नहीं होगा, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आपका चैनल और आपकी वीडियो किड्स के हवाले से है तो आप इसको यस करेंगे। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि किड्स पे बनी हुई वीडियोज़ पे YouTube पेमेंट अच्छी नहीं देता, तो उसकी जो मोनेटाइजेशन होने के बाद पे आउट मिलता है आपको, वो कम होता है कंपैरेटिवली, तो ये थोड़ा सा नुकसान है। उसके बाद यहाँ पे आप टैग्स ऐड करते हो, तो जैसे हमने ऊपर टाइटल डिस्क्रिप्शन दिया है, ये ऐसे ही यहाँ पे नीचे टैग्स ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरी वीडियो उर्दू में होगी तो मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी वीडियो जिस भी लैंग्वेज में है आप वो सिलेक्ट कर लें, तो मैंने जैसे उर्दू सेलेक्ट कर लिया। मेरे कैप्शंस के अंदर ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन ज़्यादातर सिलेक्ट की जाती है, दिस कॉन्टेंट हैज़ नेवर एयर्ड ऑन टेलीविजन इन द US, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग डेट की मुझसे पूछ रहा है, रिकॉर्डिंग डेट मैं आज की डाल देता हूँ। और नीचे मुझे कह रहा है वीडियो लोकेशन, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान कर देता हूँ। और उसके बाद लाइसेंसिंग के अंदर स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस ही आप रखें, ताकि लोग आपकी वीडियो को यूज़ ना कर रहे हों आपकी इजाज़त के बगैर। और नीचे कैटेगरी है, तो ये चूँकि टेक्नोलॉजी से, टेक से रिलेटेड वीडियो, तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर लेता हूँ। आपकी वीडियो जिस भी हवाले से है आप वो सिलेक्ट कर लें, एजुकेशन है तो एजुकेशन, हाउ टू एंड स्टाइल है तो वो कर लें, कॉमेडी है, जो भी आपका नीश है, जिस हवाले से आपने वीडियो बनाई हुई है वही कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो आप सिलेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं यूजुअली यहाँ से ऑल कमेंट्स को अलाउ करता हूँ। एक और ऑप्शन भी होती है, होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यूज़, तो यहाँ से आप इसको ऑल कमेंट्स कर दें, सॉर्ट बाय टॉप कर दें या न्यूएस्ट कर दें, मैं न्यूएस्ट कर लेता हूँ। और ये आपसे पूछ रहा है कि शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक एंड डिसलाइक दिस वीडियो, इसको भी मैं चेक रखता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन, अभी चूँकि मेरी वीडियो अपलोडिंग पे लगी हुई है तो अभी मुझे ये सारी ऑप्शंस हाईलाइटेड नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसमें यूजुअली होता है कि आप सबटाइटल्स ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो, एंड स्क्रीन ऐड कर सकते हो और कार्ड्स ऐड कर सकते हो, वही आई बटन जो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा होता है। चेक्स जो हैं वो ये होते हैं कि यूट्यूब चेक कर रहा होता है कि आपकी वीडियो के अंदर कोई कॉपीराइटेड कंटेंट तो नहीं है, आपकी वीडियो आपकी अपनी क्रिएशन है या नहीं है, आपने कहीं कॉपीराइटेड म्यूज़िक तो यूज़ नहीं किया हुआ, ये सारी चीज़ें चेक करता है और उसके बाद आपकी वीडियो गुड टू गो हो जाती है। यूजुअली जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है तो इसको अनलिस्टेड रखा जाता है, मैं यूजुअली इसको अनलिस्टेड रखता हूँ ताकि मेरी वीडियो जो है वो प्रोसेसिंग हो जाए, उसकी सारी चीज़ें चेक्स वगैरह सारे रन हो जाएं। जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ, और पब्लिश भी मैं ऐसे टाइम पे करता हूँ जब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन हों और वो मेरी वीडियो जो है जब उन तक पहुँचे तो वो फ्री हों और वो मेरी वीडियो को क्लिक करके देखें। सारी चीज़ें होने के बाद सेव कर सकते हो, सेव करने के बाद आपकी ये वीडियो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी और उसके बाद आप
इस वीडियो की प्रोग्रेस देख सकते हो एनालिटिक्स के अंदर जाके कि आपकी वीडियो कैसा परफॉर्म कर रही है। मैं आपको गुड लक बोलना चाहूँगा आपके यूट्यूब जर्नी के लिए। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक यहाँ तक फॉलो की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिए। दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट, दैट्स मैसिव फॉर मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।